लेटर अभी लेटर दे दो तो पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आप बॉयकॉट का ये उम्र का पैनल लेके क्यों खड़े? देखिए, मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और उमर रियाज ने अभी काफ़ी इलीगल काम किया है जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले रहा हूँ। बिकॉज जो बिग बॉस के अंदर उनको मैंने कपड़े प्रोवाइड कराए थे डिज़ाइनर्स के थ्रू, और वो डिज़ाइनर जितने भी हैं, दो तीन डिज़ाइनर्स हैं, उनको उससे प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, इसलिए मैं एक्शन ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन कर दी है, जो कंप्लेन कॉपी आपको अभी दिखाई थी, और हम लोग अभी मुंबई कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं कंप्लेन लेकर। सो जो भी किया है हमने पूरा लीगल वे में किया है और उमर रियाज को इसका जवाब देना पड़ेगा। मैमल एक बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनको सॉरी ये काट देना भाई, इंटीरियर डिज़ाइन निकल गया मैम, कट जाएगा ना भाई। श्रेय दो मिनट रुको, तो भाई दो मिनट। मैमल करके एक ब्रांड है जो डिज़ाइनर ब्रांड है, और उमर रियाज को जो बिग बॉस हाउस में कपड़े प्रोवाइड कराए थे वो फैज़ान अंसारी ने कराए थे, और फैज़ान अंसारी था जिसकी वजह से उनको अच्छे डिज़ाइनर क्लोज मिल पाए, बट उन्होंने उसका पूरा मिसयूज़ किया। और मैं पूरे इंडिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारा उन्होंने इलीगल काम किया है, प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, और कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जाए या इरिटेशन में आ जाए। ये टैगिंग की बात करो तो कहाँ पे उन्होंने टैग किया है फोटोज, और किसको टैग किया और आपको कौन से में? उन्होंने इंस्टाग्राम पे टैगिंग करी है बट प्रॉपर टैगिंग नहीं करी है, और अपने अपने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उन्होंने किसी को नीचे इंसल्ट किया है। जो मेरी फ्रेंड डिज़ाइनर है, वेल नोन डिज़ाइनर है, वक्त आने पे उनका नाम मैं कोर्ट में भी लूंगा। सो उनको काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी इंसल्ट फील हुआ, इसीलिए आज मैं सबके सामने आया हूँ। कपड़े आपको कब मिले और कपड़े आपने कब प्रोवाइड किए थे? अक्टूबर में मैंने उमर रियाज को कपड़े बिग बॉस हाउस में पहुँचाए थे, और उन्होंने उसको जैसा भी कमिटमेंट था बिल्कुल पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुझे बाहर आना पड़ा। आपने कंप्लेन कभी किया था? कंप्लेन मैंने आज ही फाइल करी है पुलिस स्टेशन में, और मुंबई पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, मुंबई कमिश्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका मुझे बहुत अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं जब तक जस्टिस मुझे नहीं मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, ताकि उमर रियाज हो या कोई भी बड़ा नाम हो, मैं सबसे फाइट करूंगा अपनी फ्रेंड्स के लिए। इसमें क्या आसिम रियाज से आपकी मुलाकात हुई इस बारे में, क्या आपने उमर रियाज की टीम से मेरी बात हुई है, आसिम रियाज की टीम से बात हुई, वो सब एक ही टीम है, और सब उन्होंने मिलकर ये पूरा गेम किया है मेरी फ्रेंड के साथ, जो अभी बहुत डिप्रेशन में आ गई है, इसलिए ऑलरेडी मैंने पूरा जो पुलिस कंप्लेन है उस पर सारी चीज़ें मेंशन की। आसिम रियाज की टीम से आपको क्या रिस्पॉन्स आया? आसिम रियाज ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उमर रियाज ने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने सारे जो मेरे आंसर थे, जो मेरे पास चैट है, जो मेरे पास ईमेल्स हैं, किसी का भी उन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं दिया है, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि फैज़ान अंसारी उनके सामने खड़ा है और उनके सारे आंसर्स का जवाब दूंगा, उमर रियाज को भी सामने आना पड़ेगा, और जहाँ भी मुंबई में उमर रियाज कहेंगे फैज़ान अंसारी वहाँ आने को तैयार है, अकेले आने को रेडी है, लेकिन मैं ये जस्टिस लेके रहूँगा। मेरी मुंबई पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट करें और प्लीज़ उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। ऐसे कोई चैट से जो आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं? यस ऑफकोर्स, मेरे पास पूरे चैट से ईमेल से सारी चीज़ें हैं और डिज़ाइनर्स की भी डिटेल्स हैं, बट इतने बड़े नाम में अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे जस्टिस मिले और उमर रियाज को सामने आना पड़ेगा इसके बोलने के लिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ सबसे। पुलिस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, वो मैं भी चाहता हूँ कि वो अच्छा रिस्पॉन्स करें, ऊपर से भी पुलिस ऑफिसर्स को काफ़ी फ़ोन आ गए हैं अभी, काफ़ी बड़ा अभी केस हो गया है, ये लीगल वे में केस आ गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि मुंबई पुलिस मेरी डेफिनेटली हेल्प करेगी। यस, मैंने उनसे FIR की कंप्लेन करी है और वो डेफिनेटली उसमें कह रहे हैं कि हम अपने सीनियर से बात करके आपको जल्दी रिवर्ट करेंगे। सो मुझे काफ़ी उनसे उम्मीद है। ओके, सो आने वाले समय में उशिवरा से क्या उम्मीद रखती है आपको? आने वाले टाइम में मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरी डिज़ाइनर फ्रेंड को जस्टिस मिलेगा, मैं ये पूरी उम्मीद लेके हूँ, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो, फैज़ान इस चीज़ को आगे लेके जाएगा, और फैज़ान आज आपके सामने है, मैं पूरी फाइट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए। ओके, सो लास्ट सवाल मेरा आपसे पूछना चाहूँगा कि उमर रियाज की टीम से आपको क्या मांगे? उनकी टीम से मेरी ये मांगे, पहले तो पब्लिकली आके सॉरी बोलें, मेरी फ्रेंड डिज़ाइनर को सॉरी बोलें,
और पूरी हिंदुस्तान की जनता का सॉरी बोलें जो उनको गलत समझ रही है बिग बॉस हाउस में, उनको इतना रिस्पांस दे रही है जनता, तो जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो उसको उमर रियाज की असलियत पहचाने और उमर उनके सामने आके पूरा ये कबूल करे कि उनसे ये गलती हुई है। अभी वो बिग बॉस के अंदर है, अभी लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर कि नहीं? देखिए बिग बॉस अभी इंडिया का नंबर वन शो है और उसकी को नो डाउट के वो एक रिस्पेक्टेड शो है, इतने बड़े शो में अंदर है वो, उसकी रिस्पेक्ट भी उमर रियाज को करना चाहिए और ये सब छोटे गंदे काम नहीं करना चाहिए, मेरे ये उनके सजेशन है। आपको कुछ कहना है उनको? थैंक यू वेरी मच।